My name is Mazahir Ali, and I'll be teaching you O levels and A levels accounting. To start from the very basics, सबसे पहले हम बात करेंगे कि what is accounting. तो accounting basically accounting has two main branches. One is the financial accounting and the other one is cost accounting. So basically O levels mein the thing which we are studying is financial accounting. So to start with financial accounting, we'll basically see financial accounting hai kya. So financial accounting can be described as a term that describes maintaining a system of accounting records for business transactions and other items of financial nature. So we can say ke iske do major aspects hain. One is maintaining records and second is reporting the financial position and financial performance of an entity in a set of financial statements. Financial statements jo hum baad mein mazid discuss karenge. You can basically financial accounting has main two aspects to it. Maintaining the system of accounting records, or basically we can say recording, and then reporting the financial. तो यहाँ पे आई वुड लाइक के बेसिकली हमारे पास जो है अकाउंटिंग फॉलो कौन सी होती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिकली तो हमारे पास इसके जो बेसिक्स यूज होते हैं दैट इज गैप. GAAP stands for generally acceptable accounting principles. गैप फिर मज़ीद हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं. एक हमारे पास हैं कंपनीज एक्ट 2017, आई एम सॉरी, एंड द सेकंड वन इज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और प्रीवियसली IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये सारी बातें हम मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे, बट बेसिकली आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या, बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, objective. Objective is to provide financial information about reporting entity, that is entity matlab koi bhi business, that is useful to the existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions. So basically hum log ye kehte hain ki hamare paas financial accounting has three main steps to it. Jis tarah ki humne pichli jo bhi definition ki, aap kindly us sab ko bhi zehen mein rakhein. क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू कैरी ऑन विद मी
तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. नहीं तो अकाउंटिंग इज़ अ सब्जेक्ट, इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बट इफ़ यू आर अनएबल टू डू दैट सो इट मे कॉज सम प्रॉब्लम्स, और फिर बाद में तैयारी में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके नहीं बेहतर तो कुछ शुरू के लेक्चर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आई'ड लाइक यू कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुने. तो यहाँ पे जो हमारे पास है इसके जो भी ये डेफिनेशन थी इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडली एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंडली डिसीजन दैट इज बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस. तो अब हमने बेसिकली थोड़ा सा एक बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास व्हाट इज द बेसिक पॉलिसीज और प्रिंसिपल, या आसान अल्फाज में कहूँ तो व्हाट इज द अलिफ बे ऑफ अकाउंटिंग. तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे कोर्स में भी हैं, क्योंकि कोर्स इस दफ़ा चेंज हो रहा है. तो देयर आर टू थिंग्स, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स. तो हमारे कोर्स में जो चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं, देयर आर 10 प्रिंसिपल्स एंड 4 पॉलिसीज. तो बेसिकली हम देखेंगे कि पॉलिसी और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सुनने में दोनों चीज़ें थोड़ी सी सेम लग जाती हैं. तो बेसिकली प्रिंसिपल्स आर गाइडिंग लाइट्स, या दूसरे तरीके से मैं कहूँ इसे तो फंडामेंटल ट्रूथ्स इस्टेब्लिश्ड बाय रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस एंड एनालिसिस, या मज़ीद मैं इसे आसान करके कहूँ आपके लिए तो दे आर इस्टेब्लिश्ड ट्रूथ्स. और ऑन द अदर हैंड पॉलिसीज आर नॉर्म्स, रूल्स, डायरेक्शंस, मेथड्स दैट बिजनेसेस डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, या और भी मज़ीद आसान अल्फाज में कहूँ तो दैट इज प्लान ऑफ एक्शन. तो पॉलिसीज आर नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ्स, या नॉट इस्टेब्लिश ट्रूथ्स, बट ऑन द अदर हैंड दे कैन नॉट बी आर्बिट्ररी और रैंडम. यानी मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता कि आई कैन डू एनीथिंग. ऑब्वियसली मेरे पास कुछ ऑप्शंस होंगी जो कि मैं उनमें से ही कुछ प्रैक्टिस कर सकता हूँ. जिस तरह के अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो मैं आपसे कहूँ कि यार आप इस वक्त अगर बैठे हुए हो G10 में, और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने आना है G8, तो देर आर डिफरेंट वेज. यानी आप कहीं से एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, तो कोई एक लंबा होगा, एक छोटा रास्ता होगा, एक थोड़ा सा मज़ीद लंबा रास्ता होगा. ज़ाहिर बात है दे आर और ऑप्शंस. लेकिन अगर आप ये कहें कि आई वॉन्ट टू गो अंडरग्राउंड तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर शॉर्ट टर्म. अगर कुछ ऐसी चीज़ करेंगे तो उसके लिए टाइम लगेगा. इन द मीन वाइल मैंने आपको कहा कि घंटे के अंदर पहुँचे, तो घंटे के अंदर शायद वो सारे रास्तों से आप घंटे में पहुंच जाएं. यानी घंटे में बंदा पहुंच सकता है, ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है, जितने मर्जी आप लंबे रास्ते से जाओ. लेकिन स्टिल द थिंग इज़ कि आपके पास कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी, कुछ उनके ऊपर ही आप वहां पे कर सकते हो. वो रास्ता आप जिस तरह हो, उसके अलावा अगर रास्ता सेम है, यू कैन चेंज योर मोड. आप गाड़ी पे आओ, पैदल आओ, किसी करीम उबर पे आओ, बाइक पे आओ, तो डिफरेंट ऑप्शन हैं. लेकिन द थिंग इज़ पहुँचना G8 है. तो इसको अगर मैं कहूँ कि इस्टेब्लिश ट्रूथ इज़ कि आपने G10 से G8 जाना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. हाँ, पॉलिसी इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन, आप चेंज कर सकते हो. मैंने बाय कार जाना है, बाय फुट जाना है, इस तरीके से भी जाना है. तो बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग में भी इसी तरह के कुछ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज हैं. तो जो हमारे कोर्स में कुछ चीज़ें डिफाइन की गई हैं तो थोड़ा सा हम उनको देखेंगे.
उनको अगर मैं देखता हूँ तो बेसिकली जो मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा, जो हमारे पास सबसे पहली सॉरी सबसे पहला प्रिंसिपल है, दैट इज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हेन वी बिल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमने एक चीज जहन में रखनी है, दैट द बिजनेस यानी एंटिटी एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस, दे आर टू सेपरेट थिंग्स, टू सेपरेट पीपल। यानी अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ एंड या मेरी कोई दुकान है छोटी सी फॉर एग्जांपल, क्योंकि बिजनेस की भी तीन टाइप्स हैं, मैं हम मजीद डिस्कस करेंगे फॉर अ ब्रीफ। यानी एक सोल ट्रेडर हो गया, जो कि एक बंदा अपना काम खुद करे, छोटा सा बिजनेस खोल ले, सिंगल ओनर हो, या फिर पार्टनरशिप, या फिर एक कंपनी। ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास बिजनेस की। तो अगर आई एम अ सोल ट्रेडर, मेरी एक छोटी सी दुकान है और मैं काम करता हूँ, तो अगर मैंने अपनी दुकान का नाम रख लिया फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी करियाना शॉप या समथिंग लाइक दैट, कोई भी। तो अगर मेरी दुकान है एक्स वाई जी एंड इफ आई टेक लोन फॉर फ्रॉम समवन, या आई ओ समवन, या अगर मुझे किसी ने कुछ पैसे देने, तो नॉर्मल टर्म्स में तो हम यही कहेंगे कि दे ओ मी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग हम कहेंगे दे डोंट ओ मी, दे ओन एक्स वाई जी। यानी वो उस दुकान को ओ करता है, ना कि मुझे ओ करता है। हाँ, जहाँ पे बात हुई हमारे लॉ की, तो हमारा लॉ हमें ये बताता है कि दिस प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यानी कि एक अलग पर्सन कंसिडर किया जाएगा, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ कंपनीज। लेकिन फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये प्रिंसिपल बाकी दोनों पे भी अप्लाई होगा, जो कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है। तो मैं इसके लिए ये कहूँगा कि जो हमारा ओनर एंड एंटिटी, दे आर टू सेपरेट पीपल, दे आर टू सेपरेट थिंग्स, और हमने इन्हें कंबाइन नहीं करना। और इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है, और दूसरी तरफ कंपनी, दो कैटेगरीज बना लेते हैं। तो इन्होंने अपनी they are not required, it is not mandatory for them to disclose their financial statements, but in case of companies, they are required to disclose their financial statements. तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी का ये है कि जो ओनर है और जो एंटिटी है, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। बाकी इसमें फिर जो सोल ट्रेडर, ये चीज़ें आ गई, दैट इज समथिंग वील डिस्कस लेटर। तो हमारे पास जो सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, बाकी है कि अगर किसी को कोई क्वेरीज हो या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग फिर क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करेंगे, आई विल बी पर्सनली सीइंग देम। और फिर हमारे पास जो सेकेंड है, एक्रूअल बेसिस, या इसे हम दूसरे अल्फाज में कहें मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या
accruals, दोनों नाम दे सकते हैं इसे, accrual या फिर accrual basis. तो accrual basis और matching concept, जिस तरह के matching concept थोड़ा सा हम इसका नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं, कि ये हमें कहता है कि जो transactions हो रही हैं, transactions mean कि any trade off, यानी if I sell you something, that is a transaction. या if I buy something from you, I purchase something from you, that is a single transaction. तो उस किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का, किसी भी एक वो जो स्पेसिफिक दो लोगों के बीच कोई बिजनेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम ट्रांजेक्शन कहेंगे. और किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट उसी पीरियड में आना चाहिए जिस पीरियड में वो ट्रांजेक्शन अकर हो रही है. थोड़ा सा अगर हम डेफिनेशन पे बात करें, तो वी कैन से दैट एक्रूअल बेसिस, इट्स ऑन द बेसिस, इट शुड इट डिपिक्ट्स that the effect of transaction and other events and circumstances or any claims in that period in which those they should match or they should be disclosed in the period, in the relevant period in which those effects occur. इसमें हम फिर मजीद हमें थोड़ा सा एक ये आइडिया दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल देर इज रेवेन्यू या सेल्स. तो हम कोई भी सेल करें तो हम उसी पीरियड में, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2018 में कोई सेल कर रहा हूँ, तो आई शुड नॉट डिस्क्लोज इट इन 2019. अगर मेरी कोई 2018 की सेल है तो वो 2018 में ही शो करूँगा मैं. और सेकेंडली हमारे पास इसमें फिर एक और चीज़ आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स. अच्छा, ये टर्म्स दे के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तो क्योंकि आगे आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्क्लोज होती जाएंगी. बेसिकली भी आपका मकसद है कि आपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप करना है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या. ये मज़ीद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ डिस्क्लोज भी होती जाएंगी, और जहाँ जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसे करता भी रहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली लेक्चर का टाइम ज़्यादा नहीं है. तो कोई भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी कोई भी सेल करने के लिए जो भी मुझे कॉस्ट इनकर हुई, दैट इंक्लूड्स परचेजेस वगैरह या कोई भी मजीद इस तरह की, तो वो भी उसी साल में उसी साल की सेल्स के साथ हूँ. ये ना मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में पिछले साल की सेल्स की जो कॉस्ट वगैरह या कोई भी एक्सपेंसिस इनकर हुए, तो वो मैं इस साल में करूँ. और तीसरी चीज़ आ जाती है अदर एक्सपेंसेस, यानी और किसी भी किस्म का एक्सपेंस कोई एक एंटिटी कर रही है, कोई भी एक्सपेंस इनकर हो रहा है, तो वो हमारा उसी साल के अंदर अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए. इसके ऑपोजिट एक चीज आती है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग. कैश बेसिस अकाउंटिंग बेसिकली प्रैक्टिकेबल इसलिए नहीं है, कैश बेसिस से मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन जब अकर हो रही है मैं तब नहीं रिकॉर्ड करूंगा. आई विल ओनली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन आई गेट द पेमेंट और आई मेक द पेमेंट, यानी मैं कैश के बेसिस पे करूंगा. अगर मुझे कैश मिल रहा है तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, कैश दे रहा हूँ. वैसे अगर मैंने एक इस साल परचेज किया कुछ आपसे, लेकिन मैं आपको पेमेंट अगले साल करूँ, तो मैं अपनी बुक्स में इसे अगले साल रिकॉर्ड करूंगा, ना कि इस साल. तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं. और एक्रूवल्स बेसिस, और फिर अगर मैं कैश की बेसिस पे कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है इफ़ आई एम डीलिंग ऑन कैश, आई एम नॉट डीलिंग ऑन क्रेडिट बेसिस. हाँ, अगर कहीं पे क्रेडिट बेसिस आ जाती हैं, उधार आ जाता है जिस तरीके से बड़े बिजनेसेस में, फिर ऑब्वियसली मुझे एक्रूवल्स ही यूज़ करना पड़ेगा. इसलिए इसे हमने एक प्रिंसिपल का नाम दिया है कि ये हमारे पास एक बेसिक फैक्ट है कि जहाँ भी क्योंकि हमने बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि हमने रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एनी अदर एक्सपेंसेस उसी साल में रिकॉर्ड करने. तो जब हमारा क्रेडिट की बेसिस ही नहीं, हमें उसी वक्त कैश मिल जाता है और हम उसी वक्त कैश पे करना पड़ता है, तो देन इट इज़ फाइन. तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को बेसिकली नहीं ब्रीच करें. लेकिन जहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हम क्रेडिट पे भी सेल्स करें, हम पेमेंट बाद में दे रहे हैं या बाद में वसूल कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक्रूअल बेसिस को फॉलो करना पड़ता है. तो बेसिकली ये है कि हमारे पास जो मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मेन बात है एक्रूअल्स और कैश बेसिस, ये उसके बाद की बातें. फिर इसी से ही हमारे पास दो मजीद कॉन्सेप्ट आते हैं, प्री पेमेंट्स के और एक्रूअल्स के. आई थॉट कि आई शुड डिस्कस इट इन दिस लेक्चर, लेकिन बेसिकली जिस तरह का हमारा टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल्स, तो उसमें शायद मैं ये डिस्कस ना करूँ.
I'll discuss it somewhere later. लेकिन एक बिल्कुल शॉर्ट सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ. वन थिंग इज प्री पेमेंट, अदर इज अक्रूअल. प्री पेमेंट का मतलब ये है कि मैंने पेमेंट कर दी है लेकिन आई हैव नॉट रिसीव्ड द बेनिफिट फॉर माय पेमेंट मेड. एंड आई मेड द पेमेंट इन दिस ईयर, यानी मैंने अभी पेमेंट कर दी है, बट आई विल रिसीव द बेनिफिट्स इन द सक्सेसिव अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर. तो यानी आसान अल्फाज में पेमेंट अभी एडवांस पेमेंट जिसे आप कह सकते हैं कि मैंने पेमेंट कर दी एडवांस में और मैं जो है चीज़ें बाद में या उसका बेनिफिट बाद में रिसीव करूंगा. और एक्रूअल जिसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि मैंने बेनिफिट रिसीव कर ली आपकी गुड्स और सर्विसेज में या कोई भी हैं वो मैं रिसीव कर चुका हूँ, उसका मैं बेनिफिट ले चुका हूँ लेकिन पेमेंट मैंने अभी तक आपको नहीं की. तो एक्रूअल्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे घर जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं तो वो हमारे पास ऑब्वियसली महीने के एंड पे आते हैं, ना कि महीने के शुरू में, जब हम वो गैस या बिजली यूज़ कर चुके होते हैं. तो हमें बाद में आता है कि भाई आपने इतना यूज़ किया अब आप पे करो. तो दैट इज़ एक्रूअल बेसिस. अच्छा, अब जो हम थर्ड कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस करेंगे आज का, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी हमें ये कहती है कि अगर हम एक तरीके से बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ रूल्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर आसान अल्फाज में अगर हम अभी अक्रूअल बेसिस कैश बेसिस यूज़ कर रहे हैं, और तो ये नहीं है कि मैं एक साल कैश बेसिस यूज़ करूं अगले साल मैं अक्रूअल बेसिस यूज़ करूं. मैंने कंसिस्टेंट रहना है अपनी उसमें प्रेजेंटेशन में, जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करूंगा या उनको बनाऊंगा, मैंने उन चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना है. अगर मैं एक साल एक प्रोसीजर या एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने अगले साल भी वही तरीका, वही डिस्क्लोजर्स, वही चीज़ें यूज़ करनी है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. हाँ, लेकिन हमें ये अलाउ किया जाता है कि इट कैन बी चेंज ओनली एंड ओनली व्हेन कोई नया रूल अनाउंस होता है, कोई ऐसा लॉ हमारे पास अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें कोई ऐसा रूल जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि हमें उसको फॉलो करने के लिए चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है. तो इस केस में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. या सेकेंडली इम्प्रूव द क्वालिटी. हाँ, अगर मैं उसकी मैं समझता हूँ कि उस चेंज की वजह से जो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ उसके जो यूज़र्स हैं तो उन्हें उसको समझने में और उसको रिलाई करने में उसके ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग उससे बेहतर होगी मेरे उस चेंज से, तो देन आई कैन चेंज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अदरवाइज इन दो केसेस के अलावा, दो हम कह लें इसके एक्सेप्शन हैं, तो इन दो केसेस के अलावा वी मस्ट स्टे कंसिस्टेंट इन मेकिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके बाद जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रूडेंस को हम कह सकते हैं अकलमंदी, यानी सिंपल डिक्शनरी मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो. लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अकलमंदी है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल बिजनेस को रिकॉर्ड करना, इसमें हम क्या अकलमंदी करेंगे? तो बेसिकली हमारे पास अकलमंदी ये है इसमें कि हमारे पास इसमें अकाउंटिंग में चार पांच क्लासिफिकेशन है, लाइक एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल. ये भी हम मजीद बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ लें. बाद में यू कैन वॉच द वीडियोज अगेन, तो आपके पास ऑप्शन है. तो अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो आप यू कैन गेट बैक टू इट. हमारे पास एक ये चीज़ है कि हमारे जो
एसेट्स एंड एक्सपेंसेस है, यानी कुछ तो बेसिकली समझ आ जाएंगे। एसेट मैं असासे कहूँगा, मेरे जो असासे हैं, या और दूसरे केसेस पे मेरी एक्सपेंसेस हैं। आई एम सॉरी, नॉट एक्सपेंसेस, इनकम, रियली सॉरी। तो हमारी एसेट्स और जो हमारी इनकम है, यानी मेरे असासे और जो मेरी कमाई है, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, प्रॉफिट है, वो मेरा ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए। ओवर स्टेट से मतलब ये है कि जितना है उससे ज्यादा नहीं दिखाना, मैंने जितना है उतना ही दिखाना है, उससे ज्यादा नहीं शो करना। और दूसरे केस पे मेरी लाइबिलिटीज एंड मेरे एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज मेरी जिम्मेदारी है, मैंने किसी को पैसे देने हैं। आसान अल्फाज में अभी के लिए आप याद रख लें, लाइबिलिटीज जिम्मेदारी और एक्सपेंसेस मेरे खर्चे। तो लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को मैंने कम नहीं शो करना। यानी इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास पैसे आने हैं कुछ, तो मैं उन अभी से ना कहूँ कि यार मुझे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, जब तक मुझे 100% श्योर ना हो जाए कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, या फिर मेरे हाथ में पैसे ना आ जाएं, तो मैं तब तक उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मेरी कोई जिम्मेदारियां या मैंने कोई खर्चे करने हैं जो कि मुझे 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं ये खर्चे करूंगा एटलीस्ट, तो इसकी लिए मैं फिर तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल आपको अपने घरों में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मिल सकती है कि अगर आपको पता है कि आपके पास कुछ पैसे आने हैं, तो आप उन पैसों को तब तक क्लेम नहीं करते हो, या उस इनकम को आप तब तक क्लेम नहीं करते हो जब तक आपको 100% एश्योरिटी ना मिल जाए, सॉरी श्योरिटी ना मिल जाए 100% कि आपको वो मिलने हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको पता हो कि यार मेरे ये खर्चे होने हैं, तो आप पहले से उसके लिए सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये बेसिकली हमारा प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक है और कॉमन लाइफ से रिलेट करता है। तो हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हो, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, फिर हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। इसको हम दूसरे अल्फाज में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये हमें बेसिकली कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग इन टू डिफरेंट अकाउंट्स। यानी कोई भी एक ट्रांजेक्शन है, तो वो हमारे पास कोई भी अकाउंट बनता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई खर्चा करना है, जैसे मैंने पिछले उसमें बात की कि मेरे कुछ असासे हैं, जैसे मेरे अगर कोई पैसा है मेरे पास, तो मेरा असासा है, मेरा एसेट है। और दूसरी तरफ मैंने बिल भरना है कोई, पिछली एग्जांपल थोड़ा सा रिलेट करें आप उसे काइंडली, तो वो मेरा एक्सपेंस है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने अपना बिजली का बिल देना है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गिव एंड टेक, ठीक है? तो गिव एंड टेक ये कि अगर मैं, इफ़ आई एम टेकिंग समथिंग या आई एम हैविंग समथिंग, तो आई एम ऑब्वियसली गिविंग समथिंग। टू टू वे ट्रांजेक्शन होती है, कभी भी वन वे नहीं होती। तो इसको आप ये भी कह लें कि अकाउंटिंग इज बेसिकली ए टू वे रोड, कुछ जा रहा है तो कुछ आ भी रहा है। तो अगर मेरे पास से कुछ पैसे जा रहे हैं, तो मेरे पास एक वो भी आ गया कि भाई मैंने बिल पे कर दिया, मेरी जिम्मेदारी कम हो गई, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर मी, मेरी जिम्मेदारी कम हो गई। तो दूसरे हाथ पे मुझे ये भी है कि मेरे हाथ से पैसे गए। गिव एंड टेक, कोई चीज़ खरीदते हैं बाजार से, इफ़ यू गो एंड बाय सम चिप्स, लेस खरीदे आपने, तो आपके पास लेस तो आ गए, लेकिन उसके बदले आपने कुछ पेमेंट भी की, कुछ पैसे भी दिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, के और इससे हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को लेके हमारे पास एक चीज़ आती है, अकाउंटिंग इक्वेशन।
जो कि अकाउंटिंग क्वेश्चन हम मजीद एक बकायदा टॉपिक है हमारा, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जितनी मैं ये नाम ले रहा हूँ ये सारे हमारे एक बकायदा टॉपिक्स, और इनको हम मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए ये है कि अगर मैं अभी आपको एसेट वगैरह बताना शुरू कर दूँ और बाद में फिर जब हम चीज़ें करें तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आएंगे। तो अगर अभी ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होंगे तो बाद में चीज़ें समझना बेसिकली आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसलिए आई एम ट्राइंग कि मैं पहले ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, एंड आई एम होपिंग दैट यू कॉपरेट एंड यू गेट द कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास बेसिकली ये है। इसके बाद जो हमारे पास एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। इसका प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न बेसिस। तो जो गोइंग कंसर्न बेसिस है ये हमें एक आसान सी बात करते हैं। यहाँ पे इफ़ यू वांट टू गेट वर्डी तो आपको बहुत से वर्ड्स मिल सकते हैं इसे एक्सप्लेन करने के, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान अल्फाज में ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। तो उसके लिए अगर मैं आसान अल्फाज में गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब ये है कि आने वाले कुछ अरसे तक आया ये कंपनी ऑपरेट कर सकती है, ये चल सकती है या नहीं चल सकती। इसके लिए जो एक आप कह लो इसका पेट वर्ड है, दैट इज फॉरसीएबल फ्यूचर। कि हम कहते हैं कि एंटिटी विल ऑपरेट इन द फॉरसीएबल फ्यूचर। फॉरसीएबल फ्यूचर से हम अंदाजा ले लें एक साल एटलीस्ट, दो साल, यानी नज़र आने। फॉरसीएबल फ्यूचर यानी जो जिस अरसे का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एक साल दो साल, यानी मैं एक दो साल तक चीज़ें देख सकता हूँ कि हाँ यार, हाँ आज से दस साल बाद क्या होगा, दैट कैन नॉट बी सेड सर्टेनली। हाँ आने वाले एक साल में क्या होगा काफ़ी हद तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आने वाले एटलीस्ट एक साल तक तो मेरी कंपनी चलेगी ना, ये आने वाले एक साल में वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ इन नॉर्मल कोर्स, तो आने वाले कोई नॉर्मली ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कि मैं बहुत लॉस में जा रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट। आने वाले फॉरसीएबल फ्यूचर तक मेरी कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो हमें गोइंग कंसर्न बेसिस ये कहता है कि आपने हमेशा हर साल इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न पे है या नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न पे नहीं है तब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उनकी जो वैल्यूज़ आप करते हो, यानी अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है या फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन, या आपकी इंटेंशन है लिक्विडेट होने की ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो फिर आप ये करोगे कि उस वक्त आप फिर उसकी वैल्यूएशन और उसकी प्रिपरेशन उसमें फिर थोड़ा सा डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। और बेसिकली टोटल जिस तरह मैंने कहा टोटल 14 मिल जाते हैं ये प्रिंसिपल्स और वो, तो आज कोशिश यही है कि इतना ही करें, क्योंकि बाकी जो फिर चीज़ें हैं दैट वुड टेक टाइम, और लेक्चर का टाइम हमारा आधा घंटा है और हर वीक में एक लेक्चर आया करेगा। तो उसके लिए फिर यही चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ जी ऑलमोस्ट आधा घंटा हमारे आई गेस टाइम ऊपर हो गया। तो हमारे पास ये बातें आ जाएंगी कि हमने साथ साथ चीज़ों को लेके चलेंगे। जहाँ भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क। तो बाकी आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा बकायदा, इसमें कोई नहीं। और हाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बेसिकली आपने पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरा काम है कि जो दो चार बातें मुझे थोड़ी बहुत पता है मेरा वो काम है आपको बताना। बेसिकली पढ़ना आपने, एंड द थिंग इज के अगर आपको कोई टीचिंग स्टाइल में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई सजेशन है तो दैट विल बी टोटली कंसिडर्ड। कोई भी सजेशन है कि ज़्यादा डिटेल में ना जाया जाए या मज़ीद डिटेल में जाया जाए, या स्पीड थोड़ी सी कम ज़्यादा होनी चाहिए, या और कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर दैट। और कोई भी सजेशन है बाकी है, बाकी मेरी तरफ से सिर्फ ये है कि आई होप के यू गाइज कोऑपरेट और आप मेरे साथ चलो। बाकी इंशाल्लाह इट वुड बी अ गुड सेशन एंड इट वॉज नाइस हैविंग द क्लास। So inshallah, I'll meet you in the next class.